जी बहुत ही बढ़िया लगी फिल्म, वापस एक तरह से कह सकते हो उस चीज़ को रिलीव किया आपने उन सीन्स को और उन सारी चीज़ों को। हालांकि बचपन में तो उस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा था क्योंकि बहुत पुरानी फिल्म थी, लेकिन फाइनली थिएटर में देखने वाला एक तरह से माहौल क्रिएट हो सका जिन लोगों ने नहीं देखी थी। मतलब हम लोगों की उतनी एज हुआ नहीं करती थी उस वक्त, एक तरह से 5 या 6 साल के यहाँ रहा करते तो कौन सा थिएटर में जाके फिल्म देखी थी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी आप उसको अब दोबारा देख सकते। बाकी टीवी पे तो हमने कई बार फिर गदर को देखा हुआ तो मज़ा आया देख के, लेकिन कई सारे चीज़ मुझे ऐसा लगता है टीवी के मुकाबले सिर्फ टीवी या बड़ी स्क्रीन से लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल 4K में रीमास्टर किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, इवन कलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले फिल्म के दौरान जो आप देखेंगे। हमने टीवी पे देख रखा, भले ही आप HD टीवी पे भी देखते हो, बड़ी स्क्रीन पे भी आजकल तो 50-50 इंच की टीवी आए उन पर भी आपने फिल्म देखी होगी तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा। थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं क्वालिटी के मामले में कह रहा हूँ, फिल्म को लेकर एक एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, लेकिन क्वालिटी के मामले में भी काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। कलर्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी टेक्निकलिटी भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सुधार किया गया, काफ़ी अच्छा लगा तो वापस देखने को मिली ये फिल्म, मज़ा आया, एंजॉयमेंट फुल। और आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं, गदर 2 को लेके भी मज़ा आ जाने वाला है, गदर 2 भी ज़बरदस्त छाने वाली है। फिर 11 अगस्त को तो फिल्म आ ही रही है, एक तरह से ये उन लोगों के लिए जो लोग दोबारा देखना चाहते हैं करना चाहते हैं। हालांकि काफ़ी सिलेक्टिव थिएटर्स में गदर लगी हुई है, बहुत कम ही थिएटर्स आपको मिल पाएंगे क्योंकि री रिलीज जब भी फिल्में होती हैं तो उतना ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा फिल्म देख के। आप लोग अगर चाहते हैं तो बिल्कुल फिल्म को देख के एंजॉय कर सकते हैं।